हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सीताफल स्वीट, जो मैं मेरे स्टॉल में बनाने वाली हूँ। चलिए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। और इस वीडियो के लास्ट में मेरे भाई ने थोड़ी सी रिसर्च करके आप लोगों के सामने सीताफल स्वीट की हिस्ट्री लेकर आएंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसे भी जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुकविथ पटेल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नसरीन सुल्ताना। आज हम बनाने वाले हैं सीताफल स्वीट। सीताफल स्वीट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो ये है: सीताफल, हाफ कप शुगर, 1 कप काजुली में, 5 इलायची। बिना सीताफल के बना सकते अपन सीताफल स्वीट, लेकिन अब सीताफल का सीजन है ना, इसलिए मैं सीताफल फ्लेवर डाल रही हूँ इसमें। सीताफल डाल रही हूँ इसमें, सीताफल का फ्लेवर आना बोल के। काजू का पाउडर बना लेती मैं। 100 ग्राम काजू है ये, मैं काजू का पाउडर बना ली। इस सीताफल का पल्प निकालेंगे अपन इसमें का, इसके बीज अलग कर देंगे अपन। अच्छे से ऐसा करके बीज अलग कर लेना अपन। मैं एक सीताफल यूज करी, एक सीताफल का पल्प निकाल ली, उसके बीज अलग कर ली मैं। अब कढ़ाई रख लेके चाटनी बना लेती हूँ। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। 100 ग्राम काजू यूज करें, हाफ कप चीनी यूज करेंगे, 1 कप पानी डाल के इसकी चाटनी बना लेना अपन। चांदनी को ऐसे मिलाते हुए अपन हल्का सा तार बने तक इसको पका लेना अपन। अपन चेक करेंगे, देख सकते चिपचिपा होगा ये चांदनी, अच्छी चिपचिपी होगी। अब इसमें अपन काजू का पेस्ट पाउडर है ना, ये पाउडर डालेंगे अपन। चूल्हा सिल करके हल्के से मिला लेते हुए डालना अपन, बाल्स बनने नहीं देना अपन इसको। सूखा हुए तक पका लेना पहले इसको, ऐसा मिला लेते हुए पका लेना, दाग पड़ता ना इसलिए ऐसा मिला लेते हुए पका लेना अपन। सिल पे रख के पकाना, सिल पे रख के पका लेती मैं इसको। अभी सीताफल का पल्प भी डाल ले रही हूँ, एक सीताफल का पल्प है ये भी डाल ले रही हूँ। काजू मिक्सी करते वक्त मैं इलायची भी डाली थी, अगर अपन काजू में नहीं डाले तो आप डाल लेना इलायची पाउडर, लेकिन मैं उसमें डाली थी ना इसलिए अब नहीं डाली मैं। अब ये स्वीट बनकर तैयार है, मैं अब चूल्हा ऑफ करके सर्व करती हूँ इसको। थैंक यू दोस्तों, ये सीताफल स्वीट बनकर तैयार है। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर में जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट के जरिए मुझे बताइए कैसे बनी डिश। अल्लाह हाफिज। 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख ली, अब निकाल ली मैं इसको। ठंडे पर सर्व करना तो अच्छी दिखती मिठाई। अब इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसे बनी है। जबरदस्त बनी, मस्त है स्वीट, सीताफल स्वीट मस्त बनी। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त रफी पटेल। चलिए जानते हैं आज अपन थोड़ी सी हिस्ट्री सीताफल के बारे में। सीताफल को इंग्लिश में शुगर एप्पल या स्वीट सॉप भी बोलते हैं, जो एनोनास कामोसा ट्री स्पीसीज को बिलोंग करता है, जो एनानेसियाई ट्री फैमिली से है। सीताफल सबसे ज्यादा वाइडली उगाए जाने वाले एनोनास स्पीसीज से है। इसको सबसे पहले अमेरिका और वेस्ट इंडीज के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया गया था। फिलीपींस में डॉकिंग मनीला गैलियन पर सवार स्पेनिश ट्रेडर इसे एशिया ले आए थे।
ये फल बहुत ही खुशबूदार और मीठे होते हैं और टेस्ट करने में कस्टर्ड के जैसे होते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा सीड्स होते हैं, अराउंड 20 से 40 सीड्स एक फल में होते हैं, जो एक स्पेरिकल कॉनिकल शेप में नॉबी सेगमेंट्स में होते हैं और इसका डायमीटर 2 से 4 इंच का होता है और 100 से 240 ग्राम्स तक इसका वेट होता है, जो टिपिकल पेल ग्रीन, ब्लू ग्रीन और कुछ जगह पर डीप पिंक ब्लशेस पाए जाते हैं और इसके सेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं। इंडिया में सीताफल या शुगर एप्पल को कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं और ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं। ये फ्रूट एक एक्सीलेंट सोर्स है विटामिन सी और मैंगनीज का और इसमें हाई एनर्जी भी होती है। इसका स्वीट भी इंडिया में बहुत पहले से ही बनाते आ रहे हैं। तो ये थी शॉर्ट हिस्ट्री सीताफल और उसके स्वीट के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के डिलीशियस रेसिपीज और इंटरेस्टिंग फूड रिलेटेड हिस्ट्रीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो व्यूवर्स, आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।